मेरठ के आईआईएमटी यूनिवर्सिटी परिसर में बुधवार को दो दिवसीय रोजगार मेले का शुभारंभ प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। पहले दिन विभिन्न कंपनियों ने गैर तकनीकी 1557 अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए चयनित किया। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस बृहद रोजगार मेले में जो आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो रहा है, इसमें सेवायोजन, कौशल विकास विभाग, आईटीआई एवं आईआईएमटी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में कुल 135 कंपनियां दो दिनों के अंदर आ रही हैं, जिसमें आज 55 कंपनियों के लगभग 8000 पद के सापेक्ष भर्तियां हो रही हैं। कल भी लगभग 8000 पदों के सापेक्ष भर्तियां होनी हैं। कुल 16000 पदों के सापेक्ष दो दिनों के अंदर इस बृहद रोजगार मेले में अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। विशेष रूप से आज सामान्य शिक्षाधारी डिग्रीधारी लोगों की तैनाती हो रही है, भर्तियां हो रही हैं। कल टेक्निकल एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का कार्य किया जाएगा और हमें खुशी है कि इस दिशा में जहां हमारे सरकारी सेवायोजन, आईटीआई और कौशल विकास विभाग निरंतर रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार नौजवानों को मुहैया करा रहे हैं और निरंतर प्रतिवर्ष इस कैंपस में बृहद रोजगार मेले होते चले आ रहे हैं, इसके लिए जो संयुक्त प्रयास किया जा रहा है, मैं अपने आयोजक मंडल के साथियों को और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरठ में आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में आयोजित दो दिवसीय मेले का शुभारंभ बुधवार को मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया। पहले दिन रोजगार मेले में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी। गैर तकनीकी क्षेत्र में 3543 अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। मेले में 68 कंपनियों ने अपने संस्थानों में नौकरी के लिए 1557 अभ्यर्थियों का चयन किया। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।